दोस्तों मैं रोहित और आज मैं आपके लिए फिर से स्पोकिंग का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आज आपको WH वर्ड से किस तरह से कन्वर्जेशन को बेहतर बना सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा विद प्रैक्टिकल, मैंने विद एग्जांपल्स आपके लिए कुछ तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन किस तरह से हमारे कन्वर्जेशन में हमारी मदद करता है उसके ऊपर आज हम काम करते हैं। तो लेट्स वॉच। जैसे मैंने इसमें बनाया है प्रैक्टिकल, जैसे आप देख सकते हैं पहले व्हाट के ऊपर हमने काम किया। व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है जैसा कि आपको पता है, लेकिन डायरेक्टली हम अपने कन्वर्जेशन में बोलचाल में इसको किस तरह यूज करें इसके आज हमें देखना है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले लिखा, राम ने कहा तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो अगर किसी से पूछना हो, राम कहता है कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। फिर जॉन कहता है एक ग्लास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसको ये नहीं कहना आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। केवल वो जॉन ने इतना कह दिया अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट्स इट, काम हो गया। तो राम ने पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, जॉन ने कहा एक ग्लास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, जॉन फिर कहता है तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है, जॉन कहता है व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। फिर राम कहता है पत्र लिख रहा हूं। तो ये नहीं लिखना, उसको कहना आई एम राइटिंग अ लेटर, और लेटर कह देगा तो बात समझ में आ जाएगी। कन्वर्जेशन में हमको अपनी बातों को शॉर्ट में बोलना होता है, शॉर्ट से ही काम चलता है, ज्यादा अपनी इंग्लिश को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। राइटिंग नहीं है, ये स्पोकन है। ठीक है, तो हम इस तरह से हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। राम फिर कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, राम कह रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से। फिर जॉन कहता है कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, जॉन कहता है तुम्हारा नाम क्या है, उसको राम का नाम पता नहीं है, तो जॉन ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम अगर आप बोलोगे ना तो ये पुराना लगेगा, तो आप कहेंगे व्हाट्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया व्हाट के साथ तो व्हाट्स बन गए, इसका मतलब है व्हाट इज हो गया, तो व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो व्हाट्स योर नेम, उससे काम हो गया। राम कह रहा है राम, माई नेम इज राम कहने की जरूरत नहीं, केवल राम बोल दिया उसने तो काम हो गया। उसके बाद जॉन कहता है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो राम जॉन क्या कहता है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट्स योर फादर डू या व्हाट इज योर फादर डू। ठीक है, तो आपके फादर क्या करते हैं, इस तरह से हो जाएगा। राम कहता है वो एक किसान है, he is a farmer, तो ही के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने ही को ही इज कर दिया। ठीक है, जॉन कहता है तुम्हारी माता जी क्या करती है, व्हाट्स योर मदर डू, तुम्हारी मदर क्या करती है, व्हाट्स योर मदर डू। फिर राम कहता है वो एक गृहिणी है, ही इज अ हाउस वाइफ। ठीक है, सी इज ही इज अ हाउस वाइफ। राम कहता है तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, व्हाट आर यू डूइंग दिस डे। जॉन कहता है प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन या प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन भी कर दो तो काम चल जाएगा। फिर राम कहता है कल तुमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, व्हाट डिड यू स्टडी, डिड इसे लगा क्योंकि कल की बात पास्ट की हो रही थी, तो यहां क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, जो बीत गया कल उसके लिए यस्टरडे लगाया हमने। जॉन कहता है भारतीय नदियों के बारे में, अबाउट इंडियन रिवर्स, मैंने आपने किस बारे में कल पढ़ा। ठीक है, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो इसने कहा भारतीय नदियों के बारे में, अबाउट इंडियन रिवर्स। ठीक है, उसके बाद जॉन कहता है आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों का, दिस डेज हो गया। राम कह रहा है मैं एक पत्रकार हूं, आई एम अ रिपोर्टर और प्रेस रिपोर्टर। देख रहे हैं, तो अगर व्हाट से कोई क्वेश्चन आपको किसी से बनाने हैं बात में, कन्वर्जेशन में व्हाट को लगा के कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करना है अपने कन्वर्जेशन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस या कोई क्वेश्चन किसी से पूछना है तो किस तरह यूज करेंगे, और कोई अगर व्हाट लगा कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप रिप्लाई कैसे दोगे, वो इस तरह होगा। तो आपको घर पे इस तरह से किसी को पार्टनर बना के इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसका मैंने प्रैक्टिकल लिखा है। अब हम देखते हैं हु, हु किसी पर्सन के लिए, कौन के लिए यूज होता है। जैसे आपको पता होगा मैंने कहा नेहा कहती है आप कौन है, हु आर यू, ये तो बचपन से अब सिंपल है, हु आर यू। फिर रीटा कहती है मैं एक शिक्षिका हूं, आई एम टीचर। ठीक है, रीटा कहती है ये, फिर रीटा ने नेहा से पूछा ये लोग कौन है, हु आर दे, ये लोग कौन है, हु आर दे।
फिर नेहा कहती मेरे पड़ोसी माय नेबर्स, ठीक है। नेहा कहती अभी कौन गाना गा रहा था, ठीक है, हु वाज सिंगिंग जस्ट नाउ, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा रहा था, तो हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग जस्ट नाउ। रीटा कहती मेरी छोटी बहन माई यंगर सिस्टर, ठीक है, छोटी बहन के लिए स्मॉल सिस्टर नहीं यंगर होता है और बड़ी बहन के लिए बड़े भाई के लिए एल्डर होता है, ठीक है, तो माई यंगर सिस्टर मतलब मेरी छोटी बहन गाना गा रही, तो केवल इतना बोलना था उसको नेहा को, सॉरी रीटा को, माई यंगर सिस्टर। रीटा कहती मेरे साथ मार्केट कौन चलेगा, हु विल गो टू द मार्केट विद मी, हु विल गो टू द मार्केट विद मी। रीटा कहती है, नेहा कहती है मैं चलूंगी, आई विल गो टू द मार्केट, कर सकते आई विल गो टू द मार्केट विद यू, कहने से अच्छा है आई विल कह दिया तो काम हो गया। जैसे कोई आपसे पूछे मेरे साथ मार्केट कौन चलेगा, आप कहोगे ना मैं आपके साथ मार्केट चलूंगा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, मैं चलूंगी, हो गया, तो आई विल कह देंगे इसमें। नेहा ने कहा मुझे बैग कौन देगा, अब मान लो मार्केट जा रही है नेहा तो उसको बैग की जरूरत है, तो नेहा पूछते मुझे बैग कौन देगा, हु विल, देख सकते हु विल गिव मी बैग, हु विल गिव मी बैग, मुझे बैग कौन देगा। रीटा कहती है गीता को बैग का पता है। रीटा कहती है कि आप गीता से मांगो, गीता को बैग का पता है, गीता नोज अबाउट बैग, गीता जानती है बैग के बारे में, तो गीता नोज अबाउट बैग। रीटा कहती तुम्हें मार्केट में कौन मिलने आ रहा है, हु इज कमिंग टू मीट यू इन द मार्केट, तुम्हें मार्केट में मिलने कौन आ रहा है, मतलब मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपसे कौन वहां मिलने आ रहा है जो आप जा रही हो, ये कौन पूछती है, रीटा पूछती है। तो इसकी इंग्लिश क्या आप बोलेगी उससे, रीटा से क्या बोलेगी, रीटा क्या बोलेगी नेहा को, हु इज कमिंग टू मीट यू इन द मार्केट। उसके बाद नेहा कहती है मेरे चाचा जी अपने बच्चों के साथ, माई अंकल विद हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। नेहा कहती इस मकान का मालिक कौन, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो फिर रीटा कहती है राधाकांत, वो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर राधाकांत, हु इज द बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, मिस्टर राधाकांत जो कि मालिक है और वो मेरे पिताजी के जो दोस्त हैं, तो कह सकते हैं मिस्टर राधाकांत हु इज माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो देख सकते हैं हु और व्हाट का कैसे यूज करेंगे, हु का भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है आपको करना है और कोई रिप्लाई अगर आपको किसी को देना है तो आप इस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको घर में पार्टनर बना के प्रैक्टिस करना, आप इसका पिक ले सकते हो। आप देख सकते हैं हम हाउ व्हिच और व्हेन के बारे में बताएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे इनको कन्वर्जेशन में यूज करते हैं। पहले हाउ देखेंगे, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो पहले मैंने यहाँ प्रैक्टिकली एक बना रखा है, राजू ने कहा कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, कैसे तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, राजू कहता है स्कूल बस से, बाय स्कूल बस, ठीक है। जॉन कहता है आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर, फिर राजू कहता है ही इज नॉट वेल, मतलब वो स्वस्थ नहीं है, फिर राजू कहता है तुम कल रात घर कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू योर होम, गो टू होम या गो टू हाउस यस्टरडे, फिर राजू कहता है या जॉन कहता है रेलगाड़ी से, बाय ट्रेन, सीधे बोल सकते हो। राजू फिर पूछता है आप शिमला से कैसे लौटे, हाउ डिड यू रिटर्न फ्रॉम शिमला, हाउ डिड यू रिटर्न फ्रॉम शिमला, ठीक है, डिड इसलिए लगा है क्योंकि पास्ट की बात हो गई थी, ठीक है। जॉन ने कहा बस से, बाय बस। उसके बाद राजू कहता वहां का मौसम कैसा था, हाउ वॉज द वेदर देयर। जॉन का बहुत सुहावना, सुहावना के लिए जो इंग्लिश वर्ड आता है प्लीजेंट, ये सबसे अच्छा वर्ड है, मौसम के लिए यूज होता है। जॉन ने कहा तुम्हारे पिताजी की आयु कितने, हाउ ओल्ड इज योर फादर, चेक कर सकते हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर सन, इस तरह पूछ सकते हैं, मैंने तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है, तुम्हारे बेटी की उम्र कितनी है, तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद राजू कहता है वो 50 वर्ष के, ही इज 40, ही इज 50, ही इज 60, ही इज 70, कुछ भी कर सकते हैं। जॉन ने कहा यहां से शिमला कितनी दूर है, हाउ फार इज शिमला फ्रॉम देयर, हाउ फार इज शिमला फ्रॉम हेयर, यहां से, ठीक है। राजू कहता है करीब 300 किलोमीटर, अबाउट 300 किलोमीटर। राजू कहता है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। जॉन कहता है पहले से अच्छा, मच बेटर, मतलब होता है पहले से अच्छा,
समझ गए आप। तो इसमें आप एक अपना पार्टनर बना के आप प्रैक्टिस घर पे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विच को देखो कैसे यूज करते हैं, विच का मतलब भी कौन होता है और हु का मतलब भी कौन होता है, लेकिन हु किसी पर्सन के लिए आता है और विच किसी वस्तु के लिए, किसी भी थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। देखिए राजू कहता है तुम्हें कौन सा गाना ज्यादा तुमने कौन सा गाना ज्यादा पसंद किया। ठीक है, यहाँ ऐसे इसको ठीक कर सकते हैं, तुमने कौन सा गाना ज्यादा पसंद किया, लता का या आशा का। विच सॉन्ग डिड यू लाइक मोस्ट, विच सॉन्ग डिड यू प्रिफर, लताज और आशाज, ये कह सकते हैं। यहाँ प्रीफर इसलिए यूज किया जाता है दो के बीच में कंपेयर करने के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, लताज और आशाज। ठीक है, जॉन कहता है मुझे वही पसंद आया जो तुम्हें पसंद आया, तो आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। उसके बाद जॉन कहता है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, विच बुक यू आर रीडिंग। ठीक है, विच बुक यू आर रीडिंग। राजू कहता है वह उपन्यास जो तुमसे कल मंगा कर लाया था, इट्स द नॉवेल विच आई बोरोड फ्रॉम यू टुमोरो। ठीक है, इट्स द नॉवेल विच आई बोरोड फ्रॉम यू टुमोरो, सॉरी यस्टरडे, कल की बात थी तो यस्टरडे जो बीत गया। राजू कहता है तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी, विच इज योर फेवरेट मूवी। सिंपल सा सेंटेंस है, तुम्हारी पसंदीदा मूवी क्या है, तुम्हारा पसंदीदा या फेवरेट डिश क्या है, तो विच इज योर फेवरेट डिश, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट एक्टर, विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, इस तरह बोल सकते हैं। जॉन कहता है साउंड ऑफ म्यूजिक, तो साउंड ऑफ म्यूजिक इज माई फेवरेट मूवी, या साउंड ऑफ म्यूजिक सीधे कर दो। उसके बाद आता है वेन, वेन का मतलब होता है कब। इसमें है राजू कहता है तुम रात में कब पढ़ते हो, वेन डू यू स्टडी, वेन डिड यू स्टडी एट नाइट, या वेन डू यू स्टडी एट नाइट, स्टडी होगा, वेन डू यू स्टडी एट नाइट। जॉन सवेरे में, इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर जॉन कहता है तुम हमारे यहां कब आ रहे हो, वेन आर यू कमिंग टू अस, हमारे घर मतलब अस, हमारे पास, वेन आर यू कमिंग टू अस। राजू कहता है जैसे ही समय मिलेगा, एज सून एज आई गेट टाइम। जॉन कहता है तुम मेरे भाई से कब मिले, वेन डिड यू मीट माई ब्रदर। ठीक है, वेन डिड यू मीट माई ब्रदर, कब मिले मतलब पास्ट था, सिंपल पास्ट, इसलिए हमने डिड लगाया। राजू पिछले शनिवार जब वह दिल्ली आया था, लास्ट डे वेन ही केम टू दिल्ली। तो इस तरह देख सकते हैं, ये आपका विच, वेन और हाउ भी होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम वेयर और वाई पे बात करेंगे। जैसा कि आप वेयर देख सकते हो, वेयर मतलब कहां होता है और वाई मतलब क्यों होता है। तो वेयर के ऊपर ये प्रैक्टिकल सेट है, इसके ऊपर देखते हैं। वेयर में राजू कहता है आप कहां काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। रवि कहता है एक सरकारी दफ्तर में, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। इस तरह से आप किसी भी चीज को इसमें ट्रांसलेशन के लिए रख सकते हो। रवि कहता है आप इन दिनों कहां रह रहे हो, रवि कह रहा है वेयर आर यू लिविंग दिस डेज। राजू कहता है कहीं नहीं, नो वेयर, मैंने अपना व्यापार प्रारंभ किया, आई स्टार्टेड माई ऑन बिजनेस। ठीक है, ये सिंपल पास्ट हो गया, इसलिए मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया, आई स्टार्टेड माई ऑन बिजनेस। ठीक है, उसके बाद राजू कहता है आपने यह पुस्तक कहां से खरीदी है, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक। ठीक है, रवि कहता है बंगाली मार्केट से, फ्रॉम बंगाली मार्केट। रवि कहता है आप मेरे भाई से कहां मिले थे, वेयर डिड यू मीट विद माय ब्रदर। राजू कहता है राजघाट के पास, नियर राजघाट। वहां एक और सेंटेंस आप जोड़ सकते हो, वहां मैं तुम्हारी मां से भी मिला था, आई ऑल्सो मेट विद योर मदर देयर। राजू कहता है मुंबई में आप कहां रहते थे, वेयर डिड यू लिव इन मुंबई। रवि कहता है अंधेरी में, इन अंधेरी। तो इस तरह से वेयर के ऊपर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछना है और रिप्लाई देना है, तो इसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके घर पे प्रैक्टिस करो आप कोई पार्टनर बना के। वाई का देखो किस तरह होगा। मोहन कहता है हम प्रतिदिन खाना क्यों खाते हैं, पर डे क्यों खाना खाते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, वाई डू वी ईट फूड एवरी डे। राजू कहता है अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, टू मेंटेन आवर हेल्थ। ठीक है, इतनी बात कर देंगे तो हो जाएगा। मोहन कहता है आपकी पिताजी इतने कठोर क्यों हैं, वाई इज योर फादर सो स्ट्रिक्ट। कठोर मतलब कि ज्यादा सख्त होना है, ज्यादा कड़क होना। राजू कहता है क्योंकि वह हमारी उन्नति चाहते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स आवर प्रोग्रेस।
राजू कहता है तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। राजू मोहन कहता है क्योंकि मेरे पापा बहुत फ्रेंडली, बिकॉज माई फादर इज वेरी फ्रेंडली। आप ये भी कह सकते हो बिकॉज माई फादर इज वेरी फ्रेंडली विद अस, या विद मी। राजू कहता है तुम यहाँ क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम हियर। मोहन कहता है टहलने के लिए, फॉर वॉकिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड से आप अपने कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। किसी भी आदमी से पहली बार मिलते हैं तो कोई क्वेश्चन करना होता है तो एक तो टेंस है जो आपकी मदद करता है, दूसरा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो अगर इन दोनों पे कमांड हो गया तो आप कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। जरूरत है बस इसको रिवीजन करने की, बार बार प्रैक्टिस करने की। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको किस तरह से और अच्छी तरह से रिवीजन का क्या ट्रिक हो सकता है वो भी दूंगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।